किया तुम पे, कितना भरोसा किया तुम पे, और ये किया तुमने। फिर अब तुम उससे जो पूछना चाहते हो पूछो। गजब, मतलब जो तीर में अंधेरे में शक में चलाता था एकदम बराबर सही निशाने पर जाके लगा है। ये लड़की अपने कान में माइक लगाती है। माइक, इसका मतलब ये अकेली नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये कि भैरवी अकेली नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं। इसी कांड के बारे में ना मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त इसके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब दे देते। देखो देखो कैसे मुंह खोल कर खड़ी हुई है। अब तुम सोच रही होगी कि ये सब हुआ कैसे। तुमने तो वीर को भगवान का प्रकोप का झांसा देके मंदिर भेजा था सबके साथ, ताकि वो वहां पर पूजा करे और तुम यहाँ पर मौत का खेल खेलो। और फिर हर बार की तरह तुम ये कह दो कि ये भगवान के प्रकोप के कारण ये लड़की मर गई। मैं मर गई यही करना चाहती थी ना तुम, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। तुमने प्यार के विश्वास की ताकत को अपने फैलाए हुए अंधविश्वास से ना जरा कम समझ लिया। वीर और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जहां प्यार होता है वहां पर विश्वास होता है, और जहां पर विश्वास होता है ना वहां पर तुम जैसों की ना ऐसी ही हालत होती है। वीर, मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊं? बचपन से आज तक जादू और चमत्कारी तो देखते आया हूं, और देखने को क्या बचा है? वो तो देखोगे तब पता चलेगा ना। दिखाओ दिखाओ। वीर, सफेद ना तुम पे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। बहुत अच्छे लगते हो तुम उस पे। देख सकती हो? हाँ मैं देख सकती हूँ। कब तुम अभी से देख सकती हो? पहले से देख सकती हो? रुको रुको रुको, रिलैक्स। बता रही हूँ। जब मुझे मंदिर में चोट लगी थी तब मेरी आंखें सच में चली गई थी, लेकिन फिर मैं ऊपर से नीचे गिरी टेम्पो में, तो भगवान काल भैरव की कृपा से मुझे दिखाई देने लग गया। डॉक्टर कह रहे थे ना कि ब्लड फ्लो ठीक हो गया, मैं देख सकती हूँ। वीर, मैं घर में सबको बता दिया। नहीं, तुम अभी किसी को कुछ नहीं बताओगे, कुछ भी नहीं। जब तक मैं नहीं बोलूंगी तब तक कुछ नहीं, और भैरवी को तो तुम कुछ भी नहीं बताओगे। ऐसा क्यों कह रही हो? वो सब मैं तुम्हें बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, लेकिन वीर इस वक्त इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो प्लीज आरजी पे विश्वास करके देखो। मैं तुम्हें हर चीज बताऊंगी, लेकिन तब तक तुम प्लीज जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करो। मुझे पता था हर बार की तरह तुम वीर को मुझसे दूर कर दोगी, ताकि तुम आसानी से मुझ पर हमला कर सको। लेकिन तुम एक बात भूल गए भैरवी, वीर और मैं मियाँ बीवी हैं। वो तुम्हारे कहने पर मंदिर तो चला गया, लेकिन हमारे प्लान के मुताबिक वो मंदिर के पीछे वाले रास्ते से यहाँ आ गया, और यहाँ आके वो हमारा इंतजार कर रहा था, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ।
वीर की आंखों पर जो तुमने अंधविश्वास का पर्दा डाल रखा था ना, उसे हटाने के लिए मुझे अंधेपन का नाटक करना पड़ा। देखो ना, अपने बनाए हुए जाल में तुम खुद फंस गई और तुम्हें पता भी नहीं लगा। और तुमने सब कुछ उगल भी दिया कि तुम मुझे मारना चाहती थी और तुम वीर के साथ शादी करना चाहती थी। अब तो वीर को सब कुछ पता लग गया। वीर तुम्हारी सच्चाई जानता है भैरवी। वीर, ये गलत है, धोखा है। ये लड़की झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, चोर है ये। मैं साबित कर सकती हूँ कि इस लड़की ने चोरी की है। इसने राजमहल से गहने चुराए हैं। एक मिनट, तुम इन गहनों की बात तो नहीं कर रही हो? वही गहने जो तिजोरी में रखे हुए थे। ये सिर्फ एक चाल है। मेरे पास एक चिट्ठी है जिसमें इसने खुद स्वीकार किया है कि ये इसी इरादे से राजमहल में आई थी और अब ये सब कुछ लेकर जा रही है। इसे तुमसे कभी प्यार नहीं किया वीर। ये सिर्फ धन और दौलत से प्यार करती है। प्यार का नाटक किया है इसने तुम्हारे साथ। मेरा यकीन करो, इसकी इसकी सच्चाई उस चिट्ठी में है। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो। ये रहा वो सबूत जिससे इस धोखेबाज अर्चना की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और ये तुम्हारा दिया हुआ मंगलसूत्र जो इसने इतनी आसानी से तोड़कर मेरे पांव में फेंक दिया था। पहले मैं तुम्हें बताना भूल गई, जो तुम्हारे पास है ना वो नकली है, क्योंकि असली वाला ये रहा। ये चिट्ठी पढ़ो वीर, इसमें सब कुछ लिखा है। इसकी सारी सच्चाई है इसमें। ये लेटर पढ़ रहे हो तो समझना कि मैं यहाँ से अपनी मर्जी से नहीं गई हूँ। मुझे भैरवी ने तुम्हारी मौत का खौफ देकर जाने को मजबूर किया है। मुझे कभी गलत मत समझना। I love you. तुम्हारी आरजी। ये लेटर तो मैंने तुम्हारे पीठ पीछे उसी दिन बदल दिया था। भगवान की पेटी। ये साजिश है मेरे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ ये साजिश कर रही है ये लड़की। साजिश तो तुमने की है भैरवी, मुझे अपने रास्ते से हटाकर वीर के साथ शादी करने की। नहीं वीर, वीर ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। बस, अब एक और शब्द मत बोलना। मैं सब सुन चुका हूँ कि तुम अर्चना को मारना चाहती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। अब सब सच उगल दो, नहीं तो यहीं खड़े खड़े भगवान तक पहुंचा दूंगा। किससे मिली हुई हो? किससे माइक पे बात करती हो? कौन है तुम्हारे साथी? क्या चाहिए तुम्हें? पैसा, जायदाद, दौलत, क्या चाहिए? बताने तो दो। बताती, मैं सब सच बताती। मुझसे ये सब भगवान ने करा है।